तो मारियापोल में रूसी सेना का जो कहर देखा गया, अब उसकी झलक खार्कीव में नजर आने लगी है। खार्कीव रूस की सीमा से लगता हुआ इलाका है, इसलिए इस पर कब्जे की जंग काफी तीखी चल रही है और खार्कीव में लगातार शेलिंग होने की वजह से हजारों लोग यहां से बेघर हो चुके हैं अब तक। और खार्कीव में ज्यादातर बुजुर्ग लोग हैं और इनकी देखरेख यहां एक शेल्टर होम में चल रही है। यहां से हम आपके लिए एक खास रिपोर्ट लेकर आए हैं, आपको हम दिखाते हैं। खार्कीव का शेल्टर होम मानवता की सेवा का आश्रम बन गया है। ये शेल्टर होम जहां पर लगभग 20 सीनियर सिटीजन रहते हैं, यहां उनकी पूरी देखरेख, कपड़े लत्ते, खाना पीना, हर चीज एक वॉलंटियर ओगा अपनी टीम के साथ देखती है। शेल्टर होम में सबसे पहले आने वाली 72 साल की अल्बिना थी। अल्बिना का घर बमबारी में खंडहर में तब्दील हो गया था। अल्बिना पुलिस और रशियन लैंग्वेज की स्कूल में टीचर थी। दोबारा युद्ध में लोगों को मरते देख वो बेहद दुखी है। उनके बेटे बेटी अपने बच्चों को लेकर विदेश चले गए। वो अकेले 3 हफ्तों तक बम शेल्टर में ही पड़ी रही। पिछले कुछ हफ्तों से अल्बिना यहीं पे रह रही हैं, जो कि उनका घर बन गया है। हम खार्कीव में हैं और खार्कीव के एक शेल्टर होम से आपको ये हम रिपोर्ट दे रहे हैं, जो कि बड़े बुजुर्गों के लिए है। ये है मिलिए अल्बिना से, जिनका घर बिल्कुल बम के धमाकों में खंडहर हो गया। इनके घर के परिवार के सारे लोग चले गए, ये बिल्कुल अकेले थी और बेसमेंट में 3 हफ्ते। मिलिए लरेसा से कोई परिवार नहीं है, वो अकेले अपने घर में थी जब उनका घर तबाह हो गया। उसके बाद उनको सबवे में वॉलंटियर्स लेकर आए, लेकिन उनकी देखरेख करने वाला कोई नहीं था। बहुत ठीक से न चल पाती है, न ही ठीक से सुन पाती है, लेकिन यहाँ आकर उनको एक घर मिला है। लरीसा है, लरीसा चल नहीं सकती है पर देखिए चेहरे पे एक मुस्कान है। अब घर नहीं था, घर बर्बाद हो गया, युद्ध ने उनसे सब कुछ छीन लिया। और लरीसा यहाँ पे देखिए आप देखती हैं, कैमरा है तो मुस्कुरा भी देती हैं। यू आर ऑल राइट, ठीक से सुनाई नहीं देता पर ये आप देखिए शेल्टर होम की तस्वीर है। किस तरह से खार्कीव वो इलाका है जहां सबसे ज्यादा बमबारी हो रही है। फूल यहाँ पे हैं, उनकी दवाइयां हैं और यहाँ जो वॉलंटियर्स हैं वो काफी अहम भूमिका निभाते हुए इन बड़े बुजुर्गों के लिए। ये 72 साल के मेशा है, वो सबको देख कर मुस्कुराते हैं, कहीं ना कहीं वो अपने मन का दर्द भी छुपाते हैं। युद्ध शुरू होते ही वो अकेले पड़ गए। उनकी बेटी को ब्रेन कैंसर, उसका दूसरे देश में इलाज चल रहा है। वो एक ऐसी किताब पढ़ रहे हैं जिसमें लिखा है पैसा सब कुछ नहीं है। हमको देखकर वो खिल उठते हैं और यूक्रेन के खार्कीव से भारतीयों को नमस्ते भेज रहे हैं। इन सब शरणार्थियों में एक डोर जो सबको बांधे हुए है वो है ओगा। पहले वो सबके घर जाकर राहत की सामग्री देती थी। सब अलग अलग इलाकों में थे, बहुत टाइम लग जाता था। फिर उन्होंने सोचा कि सबको एक साथ एक छत के तले ले जाएंगी तो देखरेख करना आसान हो जाएगा। जब युद्ध छिड़ा उसके बाद बड़े बुजुर्ग थे जो जो ठीक से चल नहीं पाते थे, ठीक से उनके पास कोई रहा नहीं थी। और यहाँ पे युगन आपको नजर आ जाएंगे, युगन आपको नजर आ जाएंगे जो इस कमरे में है। युगन यहाँ पे देखिए फोन पे बात कर रहे हैं, उनसे हमने अनुमति ली है उनसे बातचीत करने की और अपने घर में बात करते हैं क्योंकि सारे जो बच्चे हैं उनके वो देश छोड़ के जा चुके हैं, रह गए हैं तो बस योगन और मीशा जैसे लोग जो ऐसे आपस में अपना दुख बांट के मुस्कुराते रहते हैं। और उनके लिए आप यही उनका घर है, यही उनकी जिंदगी है। इंतजार है कि आखिर कब ये पूरा युद्ध का बादल छटेगा और एक बार फिर से इनके घर में इनकी सुबह होगी। ओगा की नेक सोच में और लोग जुड़ते गए और कारवां बनता गया। मौसमी सिंह, खार्कीव, यूक्रेन, आज तक।